मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। सच बोलना चाहते थे, सच का तमाशा देखना चाहते थे। अगर आप और बीमार हो गए तो मुझे सहारा कौन देगा? जबरदस्ती लेकर आओ जैसे कैसे भी है, वरना मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता क्या है तुम्हारे पास? जो कुछ भी हुआ मैं ऐसा नहीं चाहता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देख मैं इसी तरह मैं तुम्हें एक दिन मना भी लूँ। अच्छा चल देखते हैं कि किसकी बात पूरी होती और किसकी नहीं। देर हो रही है, चलो जाऊँ अपने घर। अच्छा ऐसा करते मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। क्या मतलब है, मैं खुद चले जाऊंगी। भाई आज तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं है। अच्छा तो आज आप बहुत जेनरस हो रहे हैं, चल छोड़ दे। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? क्या मतलब है, अभी जो तुम्हारे घर से आई हो अब तुम मेरे घर में आ जाओगे क्या? वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। वैसे तुम्हारी ये जरूरी बातें कब पूरी होंगी? हो सकती हैं, लेकिन तब जब तुम उससे शादी के लिए मान जाओगी। फिर तो तुम सारी उम्र जरूरी बातें करते रहो। छोड़ो तुम ये बताओ कि तुमने ऑफिस से रिजाइन कर दिया है? अभी तो मैं ऑफिस नहीं जा रही, अभी मैं फैसला ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। क्या मतलब है शर्मीन, और मैं इस खुशी में जो एक मन मिठाई बांट चुका हूँ उसका क्या भाई? क्या मतलब है कि तुम मेरे ऑफिस ना जाने की खुशी में मिठाइयाँ बांट रहे हो? तो और क्या, मेरे ख्याल में ना हमारी शादी के बीच में सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारी ये जॉब है। तो फिर तो मैं ये जॉब कभी भी नहीं छोड़ने वाली। शर्मीन कासिम, यार मैंने इतना कुछ प्लान कर लिया था, तुम देखो अभी वहीं की वहीं हो। अच्छा तो मैं भी तो सुनो, क्या प्लान किया था तुमने? मैंने ये प्लान किया था कि तुम्हें और अम्मा को लेके इंग्लैंड चला जाऊंगा और वहां जाकर हम शादी कर लेंगे और फिर हंसी खुशी रहेंगे। यानी तुमने ये सब कुछ मुझसे पूछे बगैर खुद ही डिसाइड कर लिया? तो मैं अभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ ना। देखो मान जाओ प्लीज। इसमें क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है यार? ना बाबा ना, मेरा इंग्लैंड जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, और तुम्हारी अम्मा को अपनी सास बनाना नेवर एवर। चलो ठीक है तुम जाओ, फिर कभी आऊंगा मैं। बिल्कुल जरूरी बात करने। बाय। जाओ भी। शाज़िर क्या हुआ है? मुझे पता चला है कि मिशेल की तबीयत खराब है। मैं हॉस्पिटल आना चाह रही हूँ। सब कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ है शाज़िर। मेरा ख्याल है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। नहीं मेरा ख्याल है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, इस तरह से तो उसके साथ पहले भी हो चुका है।
आती हूँ। शाहजेब एक मिनट, तुम्हारी दूसरी बीवी तो नहीं है हॉस्पिटल में? डॉक्टर्स क्या कहते हैं आप? डॉक्टर से मेरी बात हुई है, केस सीरियस है। अच्छा, आप मुझे बताएं तो सही कि मुझे करना क्या होगा। लेकिन इसको करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। कासिम का जो इंग्लैंड का आइडिया है वो है तो अच्छा, लेकिन ऐसा करने से मैं शाहजेब और उसकी यादों और इन सब बखेड़ों से बहुत दूर चले जाऊंगी। अगर मुझे शाहजेब को भूलना है तो इसका एक ही हल है कि मैं शहर बल्कि इस मुल्क से कहीं दूर चले जाऊं। लेकिन इंग्लैंड में कासिम के साथ शादी करके तो नहीं जा सकती, कासिम तो पागल है। उसे दोस्ती हंसी मजाक की हद तक तो अच्छा है, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकती। फिर मुझे इंग्लैंड ही नहीं जाना इसके साथ, वहाँ कौन है मेरा? यहाँ सब अपने तो हैं, चाहे जैसे भी है, कम से कम ये देश अपना तो है ना। हेलो शायान, डॉक्टर्स क्या कहते हैं आप? डॉक्टर से मेरी बात हुई है, केस सीरियस है। मिशेल के ज़हन पे बहुत दबाव है। माय गॉड, ये तो बहुत बुरी खबर है शायान। शाहजेब को पुलिस ने पकड़ लिया है, गले सड़े जेल में, हमारी बला से भाड़ में गया शाहजेब। मुझे इस वक्त मिशेल की फिक्र है। मैंने डॉक्टर से बात की है, उसने मैंने भी ये सोचा, मैंने कि भाई हम उसको कुछ दिनों के लिए बाहर ले चले। हाँ ये ठीक है, तुम ऐसे करो कि उसके जितने भी मेजर लैब टेस्ट हैं ना वो रिपोर्ट्स मुझे भिजवा दो, मैं बाहर किसी डॉक्टर से बात करती हूँ। इसको हम बाहर ले जाएंगे, विल डू एनीथिंग फॉर हर। क्या हुआ है आंटी मिशेल को? वही हुआ जिसका डर था। क्या मतलब है, आप मुझे बताएं तो सही। हॉस्पिटल में है आंटी। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स ने क्या कहना है, उनको तो पता ही नहीं है कि मिशेल ने कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस की। तो आंटी शाहजेब कहाँ है इस वक्त? उसे तो मिशेल के पास होना चाहिए। वो नहीं होगा शर्मीन, मिशेल की कहानी से अब शाहजेब निकल चुका है। वैसे शर्मीन तुम मेरा एक काम कर सकती हो? बताएं आंटी, क्या क्या काम है? मुझे शाहजेब को बर्बाद करना है, कैन यू हेल्प मी? आंटी मैं शाहजेब को कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? इस वक्त तुम ही हो जो ऐसा कर सकती हो।
अच्छा आप मुझे बताएं तो सही कि मुझे करना क्या होगा। काम तो बहुत आसान है लेकिन इसको करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। इसमें तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। आंटी इसमें मेरा फायदा कैसे हो सकता है? औरत हो ना, औरत को समझ लेती हूँ। तुम्हें सिर्फ इतना करना है। मिशेल की तबीयत बहुत खराब है। अम्मा मुझे पता है मिशेल को क्या हुआ है। क्या हुआ है? अम्मा ये कोई नई बात नहीं है, मैं पहले भी बहुत दफा देख चुका हूँ। उसकी फिर शाहजेब से लड़ाई हुई होगी और वो हॉस्पिटल पहुंच गई है। उसकी हालत बहुत सीरियस है। जितनी भी सीरियस हो ना, हम वहां नहीं जा रहे। क्या हो गया तुझे? तेरी तो वो दोस्त है। अम्मा मुझे पता है कि माया आंटी किन चक्रों में, और मैं बस वहां नहीं जाना चाहता। वो बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी है और तुझे अपनी पड़ी है। जल्दी चल मेरे साथ, हॉस्पिटल चलते हैं। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं चलता हूँ, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि आप वहाँ माया आंटी के साथ बैठकर मेरी शादी तय करने नहीं बैठेंगे। बहुत बुरा हुआ, अगर मिशेल को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। शायान नसन ने वही किया जो उसने करना था। उस पागल को कौन समझाए कि मसला मेरा नहीं उसकी बेटी का। अजीब लोगों से वास्ता पड़ गया। एक को इंतहा की मोहब्बत थी और दूसरे को इंतहा की नफरत। हैरानगी की बात यह है कि दोनों ने खुद को बर्बाद कर दिया। पता नहीं आशा बेचारी किस हाल में होगी, कब जान छूटेगी यहां से। किसी तरह आयशा को उसके मामू के घर छोड़ देता ना, ऐसा ना हो ये लोग आयशा को भी तंग करें। हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। अब आप हैं ना मेरे साथ, हार नहीं मानूंगी मैं। पहले कोई नहीं था तो हार मान जाती थी। आखिर में मुझे ये बात सुननी पड़ती है जिस चीज से मुझे नफरत है। मैंने तुम्हें अपने शेयर इसलिए नहीं दिए कि तुम बहुत ही कोई जीनियस इंसान हो, इसलिए दिए क्योंकि तुम मेरे शौहर हो। शर्मीन ने जॉब छोड़ने का तो सोचा, पहली बार शर्मीन ने कोई ढंग का फैसला किया। वैसे कम से कम रोज मेरी शाहजेब नामा सुनने से तो जान छूटेगी। पता नहीं शर्मीन मेरे साथ क्या करेगी, समझ नहीं आता वो शादी के लिए क्यों राजी नहीं हो रही। और क्या वो अम्मा भी तो मेरी शर्मीन से शादी करने पर राजी नहीं हो रही। मेरी तो अम्मा मेरा साथ नहीं दे रही, तो शर्मीन से क्या उम्मीद लगाऊं। क्या यार इन दो औरतों के बीच में पिस के रह गया हूँ मैं। मिशेल की दोस्ती, शर्मीन की मोहब्बत, सारा टाइम शाहजेब पर ही बर्बाद कर दिया है। कभी मिशेल के लिए शाहजेब को ढूंढने निकल जाऊँ तो कभी शर्मीन के लिए। बस मुझे इंग्लैंड वापस चले जाना चाहिए यार, और कुछ भी करके ना शर्मीन और अम्मा को मना कर साथ ले जाऊँ, वहीं जाकर शादी कर लूँगा। तुम्हें शाहजेब से कितनी मोहब्बत है? बहुत ज़्यादा।
तुम्हें नहीं लगता है मेरा पर्सनल मामला? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। आइए बैठिए। शाज़ेब घर पे है? नहीं, शाज़ेब तो हॉस्पिटल में है। अच्छा ये बताओ, निशल की तबीयत कैसी है? आप हॉस्पिटल से नहीं आ रही क्या? हाँ, मुझे शाज़ेब ने ही तो कहा था कि आयशा घर में अकेली है, तो तुम उसके पास चली जाओ, कहीं परेशान ना हो रही हो। शाज़ेब ने आपसे कहा था? वो खुद घर नहीं आएंगे क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। शाज़ेब ने मुझे कहा था कि देर हो जाएगी, इसलिए तुम आयशा के पास चली जाओ, कहीं वो परेशान ना हो। और कोई बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, जो ही फ्री होगा आ जाएगा। एक्चुअली ऑफिस से आ रही हूँ ना, तो थक बहुत गई हूँ। चाय मिलेगी? जी ज़रूर मिलाती हूँ। शाज़ेब तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें वाकई इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। निशल तो साइट पर हो गई है, अगर ये लड़की भी साइट पर हो जाए तो वाकई में मेरा चांस बन सकता है। आज मुझे ये मौका किसी भी तरह नहीं गंवाना चाहिए। अकेली भी है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ले लीजिए चाय। क्या सोच रही हैं आप? नहीं कुछ भी नहीं, कब आए पता ही नहीं चला। थैंक यू। आयशा, ये सब कुछ वैसे कैसे हो गया, कुछ पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता इस बारे में। अच्छा, एक ग्लास पानी मिल सकेगा? आई एम सॉरी, मैं भूल गई, मैं लाती हूँ। आयशा, एक बात बताओ, तुम्हें शाज़ेब से कितनी मोहब्बत है? बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा? शाज़ेब, ओए शाज़ेब, तुझसे को मिलने आया। कसर रह गई है उन्हें जलील करने की, कुछ रह गया जो करना है। शाज़ेब, शाज़ेब मेरे बारे में इस तरह मत सोचो यार। शाज़ेब, मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, और ऑनेस्टली
मेरा मिशेल या तुम्हारे पर्सनल रिलेशनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। कमाल है, किसी ने भी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा, पर बुरा होता है मेरे साथ। खैर क्यों आया बताओ मुझे। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछने आया हूँ शाज़िब। तुम अपनी दूसरी बीवी आयशा को किसके हाल पर छोड़कर आए थे? तुम्हें नहीं लगता है मेरा पर्सनल मामला? और तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? पर्सनल तो है शाज़िब, आयशा को किसी ने जहर देकर मार दिया है। यार एक बुरी खबर है। क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा सुनकर? तुम एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरोगी। उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं।